here with another session of your favorite subject, that is environmental science. Students, in first chapter we have read about ourselves. In pehle chapter mein humne apne bare mein padha. In second chapter we have read about our family. Yani ki second chapter mein humne apni family ke bare mein padha. And the third chapter which I am going to teach you today, that is fun with family. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी फैमिली के साथ क्या क्या मस्ती करते हैं. जैसे बाहर शाम को हम फैमिली में हैं, हम सुबह उठते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को खेलते हैं. तो ये चैप्टर इन्हीं सारी चीजों को रिवाइंड कराएगा. तो शाम को बच्चे जब खेलते हैं, यानी हम सब जब खेलते हैं, आप सब खेलते हो, तो हमारे माइंड में नई नई चीजें आती हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन. स्टूडेंट्स, आप क्या खेलना पसंद करते हो? कोई शाम को बैडमिंटन खेलता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई स्किपिंग करता है, किसी किसी को तो स्विमिंग भी पसंद होती है. तो हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं. किसी किसी को शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें करना पसंद होता है, किसी किसी को बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद होता है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. नाउ लेट अस रीड आवर चैप्टर. चैप्टर 3, फन विद द फैमिली. हेलो, माय नेम इज नितिका. हेलो, मेरा नाम नितिका है. रवि इज माय ब्रदर. रवि मेरा भाई है. वी स्टडी इन द सेम स्कूल. हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं. आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क वी फील टायर्ड. हम अपना होमवर्क करने के बाद थक जाते हैं. सो वी नीड सम फन. तो हमें थोड़ी सी मस्ती चाहिए होती है. वी हैव फन व्हेन वी डू थिंग्स. जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम इसको इंजॉय करते हैं, हम बहुत सारी मस्ती करते हैं. दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन. इसको हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन, यानी नई चीज़ों को क्रिएट करना. इट हेल्प अस टू रिलैक्स आवर माइंड. ये क्या करता है, यानी नई चीज़ें या फन या इंजॉयमेंट, वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है. वी फील हैप्पी वाइल डूइंग थिंग्स वी लाइक. हमें जो चीज़ें हमको पसंद होती है, वो चीज़ें करने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है. वी हैव रिक्रिएशन इन मैनी वेज. हम नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से. इन द इवनिंग वी गो टू द चिल्ड्रेन्स पार्क एंड प्ले क्रिकेट. यानी शाम को हम चिल्ड्रेन्स पार्क में जाते हैं और वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं. Sometimes I ride my bicycle or learn to dance. कभी कभी मैं अपनी साइकिल भी चलाती हूँ और वहाँ पे डांस करना भी सीखती हूँ. Sometimes I go for skipping too. कभी कभी मुझे रस्सी कूदना भी पसंद है. रवि likes to swim. और रवि को स्विमिंग करना यानी तैरना भी पसंद है. When it is very hot, we stay inside our home. जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो हम अपने घर में रहना पसंद करते हैं. रवि प्लेज द तबला वाइल आई प्रैक्टिस न्यू डांस स्टेप्स. जब मैं डांस की प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा भाई रवि, वो क्या करता है, तबला की प्रैक्टिस करता है. वी लाइक टू वॉच कार्टून मूवीज ऑन द टेलीविजन. हमें कार्टून मूवीज देखना भी पसंद है. समटाइम्स वी प्ले इनडोर गेम्स. कभी कभी हम इनडोर गेम्स भी खेलना पसंद करते हैं, लाइक स्नेक्स एंड लैडर्स, लूडो एंड कैरम. ऑन हॉलीडेज वी गो फॉर अ पिकनिक. छुट्टियों में हम पिकनिक पे जाते हैं. वी प्ले इन द ओपन एंड हैव लॉट ऑफ फन. हम वहाँ पे पार्क में ओपन में यानी खुले मैदान में खेलते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं. वी ऑल्सो गो टू द जू. हम जू भी जाते हैं. वी इन्जॉय वॉचिंग द एनिमल्स देयर. हमें वहाँ पे सारे जानवरों को देखना अच्छा लगता है. वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स इन द जू. हमें जानवरों को जो जू में रहते हैं जानवर, उनको परेशान नहीं करना चाहिए. समटाइम्स अवर पेरेंट्स टेक अस टू द सर्कस. कभी कभी हमारे मम्मा पापा हमको सर्कस दिखाने भी ले जाते हैं.
We really enjoy watching animals and circus acrobats doing exciting stunts. यानी कि हमें एनिमल्स को देखना पसंद है और सर्कस में जो भी स्टंट्स वगैरह करते हैं वो भी देखना एक्साइटिंग होता है हमारे लिए. द क्लोन्स मेक अस लाफ. क्लोन्स यानी जो भी पुतले होते हैं वो हमें हंसाने में हंसाते हैं. वी इंजॉय गोइंग टू द मेला. हमें मेले में भी जाना पसंद है. वी हैव लॉट ऑफ फन ऑन द स्विंग्स. हमें झूला झूलना पसंद है ना, तो वहाँ पे हम मेले में झूला झूलना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. समटाइम्स वी गो टू द म्यूज़ियम. कभी कभी हम म्यूज़ियम भी जाते हैं. म्यूज़ियम जहाँ पे सारी एंटीक पीसेस रखी जाती हैं उसको हम कहते हैं म्यूज़ियम. वी सी अ नंबर ऑफ ओल्ड एंड वंडरफुल थिंग्स इन द म्यूज़ियम. जो चीज़ें हमारे पास अभी नहीं यानी कि पुरानी चीज़ों को म्यूज़ियम में रखा जाता है. We also enjoy watching puppet shows. हमें कठपुतली के जो भी shows होते हैं वो भी देखना पसंद है. We like meeting our relatives at birthday parties and weddings. हमें अपने relatives से birthday parties और weddings में मिलना भी पसंद है. We wear new dresses. हमें नई नई dresses, नया खाना खाना पसंद है. Everyone feels very happy. सबको बहुत मजा आती है. We enjoy with our family members at such functions. हम अपने family members के साथ birthday parties, wedding वगैरह में बहुत enjoy करते हैं. Our elders tell us interesting bedtime stories. हमारे elders हमें interesting bedtime stories भी सुनाते हैं. We enjoy listening to them. हमें सुनना story सुनना बहुत पसंद है. We also like reading story books. हमें story book को पढ़ना read करना भी पसंद है. रिक्रिएशन कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव. नई नई चीजें इन्वेंट करना हमें फ्रेश और एक्टिव रखता है. ओके स्टूडेंट्स, तो रीडिंग करने में मजा आई ना, तो हमने अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. हमने पहली चीज जो अपने चैप्टर में पढ़ी दैट इज व्हाट इज रिक्रिएशन. रिक्रिएशन क्या है. वी हैव फन व्हेन वी डू थिंग्स वी एंजॉय. हमें तब मजा आती है ना जो हमें चीजें करनी होती है, जो हमारा मन करता है वो चीजें करने में हम एंजॉय करते हैं, वही क्या कहलाता है रिक्रिएशन. यानी उन चीजों को करना जिनसे हम एंजॉय करते हैं वो क्या कहलाता है रिक्रिएशन. क्या कहलाता है रिक्रिएशन. वेरी गुड. और सेकेंड चीज जो हमने पढ़ी वो थी कि कुछ इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स पढ़े ना, तो कुछ इंडोर गेम्स के नाम बताइए. ओके आई टेल फिर. लाइक कैरम. योर फर्स्ट इंडोर गेम इज कैरम. स्टूडेंट यू नो व्हाट डज द इंडोर मींस. इंडोर का मतलब कि जो चीजें हम अंदर यानी घर में बैठ के खेलते हैं वो क्या कहलाती हैं इंडोर. यानी कि अपने घर के अंदर बैठ के खेलने वाली चीजों या बैठ के खेलने वाले गेम्स को हम इंडोर गेम्स कहते हैं. फर्स्ट कैरम. और क्या घर में बैठ के हम खेलते हैं. यस वेरी गुड. लूडो. क्या खेलते हैं लूडो. और ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम अपने घर में बैठ के खेलते हैं. ओके सर, नाउ थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी. हमने पढ़ी कि आउटडोर गेम्स. तो आप आउटडोर गेम्स के नाम बताओगे मुझे कुछ. वेरी गुड. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था आप क्रिकेट. पहली चीज आउटडोर गेम्स में क्या है. आउट डोर गेम्स फर्स्ट क्या है सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट. दूसरा हमने क्या पढ़ा. यस गुड. बैडमिंटन. क्या पढ़ा बैडमिंटन. ऐसे बाहर हम बहुत सारी चीजें करते हैं. स्किपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं. दैट विल कम इन आउटडोर गेम्स. यानी कि जो चीजें हम बाहर जाके खेलते हैं वो आउटडोर गेम्स में आती हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबको इतना समझ में आया. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर फन विद फैमिली. And I also hope कि आप ये घर पे अच्छे से पढ़ेंगे और फिर next time जब मैं questions पूछूंगी तो आप मुझे उसका answer करेंगे.
वेरी गुड और एक्सरसाइजेस बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से करना. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.